भगवान शंकर कहते हैं कि कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, न जोग न जप न तप और न मख। मख कहते यज्ञ को करना। जैसे यज्ञ हम करते हैं तो हम समझते हैं कि यज्ञ से ही जो है हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति हो रही है। तो यज्ञ से करने से, जप करने से या तप करने से और प्राप्ति हो सकती है, देवत्व की प्राप्ति हो सकती है, आप मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं और इससे भी विलक्षण कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति आप चाहें वो नामुमकिन है। भक्ति का कोई रास्ता और है। कहते हैं कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, न जोग न जप न तप न मख न उपवासा। ये कोई भी भक्ति के रास्ते नहीं। अब जो है पार्वती सोचने लगी फिर कौन सा भक्ति का रास्ता है। भगवान शंकर कहने लगे मत हमार अस सुनो सयानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। हे सयानी नाम पार्वती सुनो कि हमारा मत ये है कि जो राम है, जो रमण करने वाला है, जो सर्वत्र रम रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र, वो कैसा है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। राम जो है वो कैसा है, अतर्क है, यानी तर्क के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हां एक चीज होती है, एक होता है तर्क और एक और होता है जिसे कुतर्क कहते हैं। कुतर्क तो बिल्कुल ही खराब बात है जिसमें फिसाद और झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद एक और चीज है जिसे सतर्क कहते हैं। तो जो संत होते हैं, जो पूरे संत होते हैं, वे तर्क नहीं करते और कुतर्क भी नहीं करते, केवल अगर आवश्यकता पड़ती है तो सतर्क करते हैं, सतर्क होशियार करते हैं कि रास्ता सारंग से है दिलबर को पाने के लिए। फिर क्यों भटकता फिर रहा तू यूं तलाश यार में, रास्ता सारंग से है दिलबर को पाने के लिए, सतर्क कर देते हैं। तो प्रेमी भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि मत हमार अस सुनो सयानी, राम अतर्क बुद्ध मन बानी। राम जो है वो अतर्क है और अबुद्ध है, यानी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के ज्ञान के द्वारा पढ़ करके, लिख करके, सुन करके, समझ करके, बुद्धि के बल से, विवेक से राम को नहीं जाना जा सकता है और मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा जाना जा सकता है। वाणी के द्वारा समझा जा सकता है उस प्रभु की बात को, प्रभु के नाम को, प्रभु के योग को, ध्यान को, इसको समझा जा सकता है परंतु जाना नहीं जा सकता है। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि मत हमार अस सुनो सयानी, राम अतर्क। राम जो है वो तर्क के द्वारा नहीं है, अतर्क है, अबुद्ध है, यानी बुद्धि के द्वारा नहीं, अमन है, बिनी मन के द्वारा नहीं है, और अबाणी वाणी के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इनके द्वारा समझा जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। कहते हैं कि जान है सो जह देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानता वह है जिसको कोई जनाता है, और जनाता कौन है, जो स्वयं जाने हुए होता है, और जो जानता ही नहीं। कहते जिसका गुरु है आंधरा कहो कहां ले जाए, और अंधी अंधा ठेलिया दोनों ही कूप गिराए। कहते हैं कि अंधा कोई आदमी हो और मार्ग में जा रहा हो और आगे ये पूछे कि हमें उस अमुक स्थान पर जाना है, और अंधा आदमी ये कहे अरे भाई वो स्थान मुझे मालूम है, आप हमारे पास आइए, और हाथ पकड़ करके अंधे आदमी को ले चले आगे, और आगे कुआं मिल जाए, और तो बताइए फिर कुएं में एक गिरेगा कि दोनों गिरेंगे। दोनों ही गिर जाएंगे। अंधी अंधा ठेलिया दोनों ही कूप गिरंत, दोनों ही उस कुएं में गिर जाते हैं। तो प्रेमी भक्तों, इसलिए हमें आंख वाले गुरु की आवश्यकता है, जिसकी अंतर की आंख खुली हुई है। जिसकी अंतर की आंख खुली हुई है वो मेरी भी आंख को खोल सकता है।
जब आंख खुल जाएगी तब कहते हैं कि उघर है विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के। तब अंदर की आंख जब उघर जाती है तो जो रात्रि का जो अंधकार है, जो दोष है, वो खत्म हो जाता है और अंतर में जो दिव्य प्रकाश है, अलौकिक प्रकाश है, वो उसका दिग्दर्शन होने लगता है। और जब प्रकाश का दिग्दर्शन होता है तो प्रकाश में ही प्रभु का दर्शन होता है। प्रेमी भक्तों, इसलिए हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है जिसकी अंदर की आंख खुली है और अंदर का कान भी खुला है। अंदर एक कान भी होता है, ये दो कान है, इन दोनों कानों से हम बाहर का सुनते हैं। और हमारे अंतर में एक कान होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा महापुरुषों के नाम पर लिखा रहता है कि श्री श्री 1008 और स्वामी फला फला परिव्राजिकाचार्य ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। तो एक ब्रह्म श्रोत्री शब्द आता है, श्रोत कहते हैं कान को, ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्म श्रवण यानी अंतर का कान। जब अंतर का कान खुलता है तो अंतर में ऊपर ब्रह्मांड में मुकाम है, जिन मुकामों में अंतर ध्वनि नाद अनहद बोलते हैं जो आती है। अंतर का जब कान खुल जाता है तो अंतर में अनहद नाद को सुनने में समर्थ हो जाता है। तो प्रेमी भक्तों, ऐसे हमें सदगुरु की आवश्यकता है। और उसके बाद भी प्रेमी भक्तों, उसके बाद जब हमारा मन जो है भजन करके निश्चल हो जाता है और चित्त जो है वो एकाग्र होकर के शुद्ध हो जाता है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब हम उस प्रभु से मिलने के काबिल बनते हैं। ये नहीं कि अब रास्ता यहां बंद हो गया, बस इतना ही है, उसके बाद हम उस परमेश्वर से मिलने के काबिल बनते हैं। तभी तो संतों ने आगे के मार्ग के लिए कह दिया है कि फिर उसके बाद अगर वो काबिल हो गया, मन निश्चल हो गया, चित्त निरुद्ध हो गया, उसके बाद फिर कहते हैं कि भजन करे सो पागला और ध्यान करे सो कूर, और भजन ध्यान दोनों तजे तहां आठों पहर हरियो। तो भजन और ध्यान के ऊपर फिर एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा योग है, साधन है, एक सहज साधना है। जो निरंतर कहते हैं, जिसमें कोई अंतर नहीं आता, ऐसे शब्द का बोध होता है, ऐसे मार्ग का बोध होता है, फिर साधक जो है अगाध उस परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करने लगता है। निश्चल दास ने कहा है कि अब्ध अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश धनेश। अब्ध अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप जो है अब्ध माने समुद्र की तरह अगाध है, असीम है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, आकार से रहित है, जितने भी आकार हैं सभी उस सब उसमें भरे हुए हैं। कहते हैं अब्ध अपार स्वरूप मम, मेरा जो स्वरूप है, वास्तव में जो स्वरूप है, जो निज स्वरूप है, वो अपार है, अगाध है, अलौकिक है। लहरी विष्णु महेश, जैसे समुद्र होता है, समुद्र में लहर आती है, समुद्र के ही जल में उसके ऊपरी भाग में एक लहर आ रही है, वो क्या है, लहरी विष्णु महेश, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, वे उस मेरे स्वरूप के ऊपर की लहर है, तीनों गुणों के देवता है। विद रविचंदा वरुण यम शक्ति गणेश धनेश, विद कहते ब्रह्मा और रवि कहते हैं सूरज, चंदा माने चंद्रमा, गणेश धनेश माने कुबेर, ये सब जो है वो उस जो वास्तविक स्वरूप है, समुद्र की तरह जो अगाध है, अलौकिक है, उसके ऊपर की लहरें हैं।
जब हम उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उस स्वरूप में प्रवेश करेंगे, तब हमें उस सच्चे स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा। संतों ने कहा है कि राम समानो जगत में और जगत राम के माहि, अज्ञान बिना दिखे नहीं अनुरोध गुरु ते पाए। कहते हैं राम जो है वो सारे संसार में रम रहा है, राम सारे संसार में रम रहा है और संसार राम में रम रहा है। बिना सदगुरु के ज्ञान के बिना उसका दर्शन नहीं होता है। जैसे दूध के रग रग में ग्रत जो है वो विद्यमान है, कोई दूध की ऐसी जगह नहीं है जिसकी जो एक भी बिंद जो है वो ग्रत से खाली हो, परंतु दिखाई नहीं देता है ग्रत दूध में। कब दिखाई देता है? जब उसका मंथन करते हैं, मथते हैं। मथते कब हैं? जब उसे जमाते हैं, जामन देते हैं उसमें। जब जमाते हैं, जब जम जाता है, दही बन जाता है, फिर उसे मथते हैं, तो मथने के बाद जो है छाछ अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, फिर मक्खन को भी गर्म करना पड़ता है, तब जो है वो शुद्ध घृत की प्राप्ति होती है। ऐसे ही वह रमण करने वाली जो सत्ता है, जो राम है, वो हर जगह रम रहा है। तभी तो कहते हैं कि कनफ का गुर हद का और बेहद का गुर और बेहद का गुर जब मिले तब मिले ठिकाना ठौर। कहते हैं कनफुक्का, कहते हैं जो कान में बताने वाली जो साधनाएं हैं, मंत्र हैं, जो साधन हैं, जो कान के द्वारा बताए जाते हैं, कान के द्वारा सीखे जाते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि बेहद के हैं। शरीर जो है पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक ये शरीर है। ये शरीर जो है वो प्रकृति के पांच तत्वों द्वारा बना हुआ है। ये तत्व जो है वो प्रकृति के हैं, काल के। प्रेमी भक्तों, तो इस शरीर के अंतर का जो भी ज्ञान है, शरीर के अंतर का जो भी ज्ञान है वो हद का ज्ञान है। परंतु जो बेहद का ज्ञान है, जो शरीर से अलग का ज्ञान है, जहां से शरीर खत्म होता है वहां से वो ज्ञान शुरू होता है। कहते हैं कि कनफ का गुर हद का, बेहद का गुर और बेहद का गुर जब मिले तब मिले ठिकाना ठौर। जब बेहद का गुरु मिलता है तब असली ठिकाना मिलता है, असली साधन मिलता है। फिर ध्यान, भजन, साधन, योग, इनकी किसी की आवश्यकता नहीं। जहां कहते हैं कि जाप मरे, अजपा मरे और अनहद हु मर जाए और सुरत समावे बा शब्द में तहां काल ना जाए। तो वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा शब्द है जिसके लिए कहते हैं जो जाप है इसको भी खत्म करो, जो अजपा है पिंड में और ब्रह्मांड में इसको भी खत्म करो, और जो अनहद हम सुन रहे हैं उससे भी अलग चलो। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए और सुरत समावे शब्द में वो कौन सा शब्द है? वही तो वो शब्द है जो निरंतर है, जो शरीर के ऊपर बेहद में सुनाई देता है। उस शब्द में जुड़ने से बेहद विदेह मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, दायर विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है और साधक जो है उसका संबंध सत्यलोक से बन जाता है। फिर वो नित्य जब चाहे तब सत्यलोक जाता है और आता है। तो कहते हैं कि कहन सुनने की बात नहीं, देखा देखी बात। ये बात जो है सत्यलोक जाता है आता है, ये केवल कहने की नहीं, देखने की भी है। अगर तुम देखना चाहो तो दिखाने वाला भी आया हुआ है, वो दिखा भी रहा है। बहुत से लोग जो है वो सत्पुरुष का, सत्यलोक का दर्शन कर रहे हैं। तो प्रेमी भक्तों, तभी तो कहते हैं कि शब्द हमारा सिंह है, चरक है और मर रहा है, और शब्द सब भेड़ है, पकड़ो कान मेमिया है। तो जितने भी हद के शब्द हैं, हद के ज्ञान हैं, वे सब ज्ञान जो हैं, वह जो शब्द है जो सिंह के समान है, जो सतलोक तक ले जाने वाला है, उसके सब पीछे हैं। कहते हैं कि रात को भजे सो मुंह सटाओ, दिन को भजे सो ढोर, और कहें कबीर सुन साधका,